अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो मेरा बेटा, आज एक छोटा से कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं, एंड इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट एक्चुअली रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को कहा जाता है। सो आज हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे कि रिफ्रेक्शन होती क्यों है। रिफ्रेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की बात की जाए या फिर हम रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव्स की बात करें, तो मेरा बेटा जब भी रिफ्रेक्शन की बात की जाएगी, यहाँ पे हम बात करेंगे मीडियम के चेंज की। कि जब भी एक रे, एक वेव ट्रेवल करती हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड में डिक्रीज आता है या इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है, बेंड होती है, जिसे हम रिफ्रेक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है, इसमें मैं मीडियम को भी चेंज करूंगा। फिलहाल मैं ये कर लेता हूं कि अगर मैं दोनों मीडियम वाटर ही रखता हूं और यहां से मैं एक लाइट रे फॉल कर रहा हूं, तो आपको दोनों मीडियम जब सेम है तो लाइट रे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है। अब हमारी मर्जी है कि हम मीडियम कौन सा रखते हैं और कौन सा चेंज करते हैं। दोनों मीडियम रख के देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा, रे और वेव का डिफरेंस भी देख ले। ये एक रे है, अगर इसकी जगह पे वेव होती तो ये आपको पता है कि वेव आ रही है एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में। सो फिलहाल जो अपनी बुक्स में पेपर के अकॉर्डिंग वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, तो हम रे की हेल्प ले लेते हैं। अगर इनमें से मैं कोई एक मीडियम चेंज करता हूं, जैसे मेरी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम वाटर टू एयर, अगर वाटर टू एयर होगी तो आपको देख लें, ये हमने दरमियान में डॉटेड लाइन के साथ एक रिप्रेजेंट किया हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल बिल्कुल सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे होता है, जो हमें एक्चुअली बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होगा। तो यहां से देखें, ये रे अपने नॉर्मल से अवे ट्रेवल कर रही है। तो एक चीज क्लियरली सुन ले, एक लफ्ज जो टर्म यूज की जाती है होती ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जितनी डिक्रीज करे। आप सबको ये बात बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है एयर में। एयर के अलावा जब भी वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर्ड होगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। तो जो मीडियम ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करेगा वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो जैसे हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे ट्रेवल करेगी, और अगर लाइट रे, अगर मैं मीडियम को चेंज करता हूं, जैसे कि नीचे वाला जो मीडियम है अगर हम इसको वाटर कर देते हैं और ऊपर वाले मीडियम को अगर हम एयर कर देते हैं, तो अब सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो अब आपको जरा देख लें तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। इससे पहले, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पे आप एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कम आ रहा है। तो मेरा बेटा, अगर इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो ये नॉर्मल से अवे ट्रेवल करेगी, इसे हम रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। मैं अगेन ऊपर वाले मीडियम को वाटर कर रहा हूं और इसको मेरा बेटा मैं एयर कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल से अवे जा रही है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है और रिफ्रेक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों मीडियम सेम होते हैं, देन देयर इज नो चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। इसके बाद आप अपनी मर्जी से मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम या ज्यादा भी करके देख लें। अब अगर मैं ग्लास की बात कर लेता हूं और नीचे मेरे पास अगर नीचे भी ग्लास ही आ जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। लेकिन अगर ग्लास के अलावा मैं एयर की बात कर लूं, तो आप जरा देख लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे रिफ्रेक्शन भी नहीं हो रही। इट डिपेंड करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे, पार्शली होती है या नहीं होती। इसी तरह मेरा बेटा, अगर मैं वेव की यहाँ पे बात कर लूँ तो वेव भी आपको नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट, इसे हम बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम देते हैं। हम डिफरेंट पैरामीटर यूज करके हम इसके
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को कम या ज्यादा करें। मैं जैसे जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बढ़ने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और अगर मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम कर देता हूँ ये तो ये नॉर्मल से अवे ट्रेवल करता जा रहा है। होपफुली यू गॉट द पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट की जो मेन रीजन है वो मीडियम का चेंज है। आप इसमें वेव को भी देख सकते हैं और रे को भी देख सकते हैं। सो दिस वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट। हम इसी तरह प्रिज्म के अंदर रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म जो यूज किया जाता है मोस्टली आपके पास टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन पेरिस्कोप ऑल्सो, तो हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक लाइट रे है, अगर वो इंसिडेंट होगी तो देख लें यहाँ पे उसकी जो बेंडिंग है वो आपको नजर आ रही है। आप इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, मटेरियल जैसे कि अभी अगर हम एयर की बात कर लें, इसके अंदर एयर है कोई, तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर इसमें वैक्यूम होता तो, लेकिन अगर वाटर होता तो बेंडिंग आपको नजर आ रही है, और अगर ये ग्लास है तो भी आपको बेंडिंग नजर आ रही है। इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके पास शेप चेंज भी कर सकते हैं आप, प्रिज्म की जगह पे कोई और मटेरियल भी यूज किया जा सकता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। सो दिस वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मेरा बेटा अगेन आप देख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट वेव को देख सकते हैं, और इसको जरूर इसे बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके अलावा जैसे लाइट की जो रेंज है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर दिए तो विजिबल लाइट है, इसलिए आपको इजीली इसका हर पैटर्न नजर आएगा। और यहाँ पे जो रेंजेस भी गिवन है इसमें भी वो रेंज एक वाइट लाइट की जिसकी रेंज आपके पास 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट है जो कि यहाँ पे यूज की जा रही है। और मैं यहाँ पे एक वेव का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टॉपिक में आप रे का यूज करते हैं। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, आबाद रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMN Azure चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी कंसर्न and if you want to take any online class as well, तो जो description में given number है उस पर contact करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।